दोस्तों इस वीडियो के अंदर जानेंगे DMI फाइनेंस से लोन कैसे अप्लाई करें और उस पैसे को बैंक अकाउंट के अंदर कैसे ट्रांसफ़र करें। यहां सामने आप प्रूफ देख सकते हैं, DMI फाइनेंस से मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और इस पैसे को बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र भी कर दिए हैं। अगर इसमें डॉक्यूमेंट की बात किया जाए तो मात्र आपको 2 डॉक्यूमेंट देना है। फर्स्ट है पैन कार्ड और सेकेंड है आधार कार्ड। अगर आपके पास दोनों डॉक्यूमेंट रहेगा तो मात्र 10 सेकंड के अंदर DMI फाइनेंस से आप लोन ले सकते हैं। DMI फाइनेंस कंपनी जो है इंडिया का सबसे नंबर 1 कंपनी है। अगर आपको भी सीखना है DMI फाइनेंस से लोन कैसे लिया जाता है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में आ जाएँ और यहाँ से आप DMI फाइनेंस ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद देखेंगे ओपन का ऑप्शन देगा, उसी पे एक बार आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे पॉपअप आएगा, उसको आपको कट करना है। अब यहाँ पे कह रहा है इंटर मोबाइल नंबर। अब जो भी मोबाइल नंबर आपका होगा इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। अब नीचे में जो लिखा हुआ है सेंड OTP, इसी पे एक बार आपको क्लिक करना है। अब आपके नंबर पे OTP आएगा, उस OTP को इस बॉक्स में आपको फिल करना है। OTP जो है वेरीफाई किया जा रहा है। उसके बाद देखेंगे इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे कुछ टर्म कंडीशन है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है और नीचे में जो लिखा हुआ है कंटिन्यू, इसी पे एक बार आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कह रहा है व्हील यूजिंग द ऐप, इसी पे एक बार आपको क्लिक करना है। फिर आपको अलाउ करना है, फिर एक बार आपको अलाउ करना है। अब यहाँ पर देखें हमारा लोन जो अप्रूवल हुआ है 5,496 रुपये का अप्रूवल हुआ है। और नीचे में जो लिख रहा है 0% इंटरेस्ट हमको इसमें लगेगा, कोई भी ब्याज हमको इसमें नहीं देना है, क्योंकि इससे पहले हम ऑलरेडी लोन ले चुके हैं, उस लोन को अभी तक हम पे नहीं किए हैं, इसलिए छोटा अमाउंट जो है अप्रूवल हुआ है। और नीचे में जो लिखा हुआ है मैनेज, इस पर एक बार आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे इस प्रकार का नया पेज खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ जो लिखा हुआ है पेमेंट हिस्ट्री, इस पे एक बार आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखें हमारा लोन का जो पेमेंट है जो पर महीना हम पे कर रहे हैं, और नीचे में जो लिखा हुआ है कंटिन्यू, इस पे एक बार आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे कह रहा है इंटर बैंक अकाउंट, तो आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा वो आपको इसमें इंटर कर देना है। अब यहाँ पे कह रहा है इंटर IFC कोड, तो जो भी आपका IFC कोड होगा वो आपको इसमें इंटर कर देना है। और यहाँ पे कह रहा है निक नेम, आपका नाम क्या है वो आपको इसमें इंटर करना है। और नीचे में जो लिखा हुआ है कंटिन्यू, इस पर एक बार आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लोन का जो पैसा 5,496 रुपये हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप DMI फाइनेंस से आप लोन ले सकते हैं।